हम लोगों ने कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। उत्तर प्रदेश की मुखिया योगी आदित्यनाथ एक साथ कई जिम्मेदारियां निभाते हैं। गोरक्षपीठ के महंत होने के अलावा वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यही वजह है कि सीएम योगी का ध्यान प्रदेश की तरक्की पर हमेशा लगा रहता है। साथ ही वो अपने महंत होने का दायित्व भी बखूबी निभाते हैं, जबकि देश दुनिया के सामने वो मुख्यमंत्री के तौर पर अपना दम दिखाते हैं। इसके अलावा अब वो एक नई भूमिका में नजर आने वाले हैं। दरअसल पीएम मोदी से उनकी जल्दी ही मुलाकात होने वाली है, जहां यूपी के सीएम बतौर मुख्यमंत्री नहीं बतौर गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक को संबोधित करेंगे। इसी बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता बतौर गृह मंत्री करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सीएम योगी के पास राजस्व, गृह, नागरिक उड्डयन समेत 34 विभाग इस वक्त मौजूद हैं। ऐसे में वो प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, इसीलिए वो इस बैठक में हिस्सा लेने आज पहुंचेंगे। इस दौरान सीएम योगी देश के प्रधानमंत्री से बताएंगे कि यूपी पुलिस ने कैसे पीएफआई पर शिकंजा कसा, कैसे अवैध रूप से यूपी में रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की, कैसे यूपी में माफियाओं, संगठित अपराधियों और डकैतों का डर खत्म किया गया। इसी के साथ यूपी पुलिस की ऐसी कई उपलब्धियों को सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम नरेंद्र मोदी को बताएंगे। गौरतलब है कि जब से सत्ता में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, कानून व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दिया गया। इसके अलावा बुलडोजर की कार्रवाई ने भी अपराधियों और माफियाओं को सबक सिखाया। बता दें कि उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध हो या फिर महिला अपराधों में सजा दिलाना हो, हर मोर्चे पर योगी सरकार की कोशिश सफल दिखी है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक महिला अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि यूपी में महिलाओं, बच्चों के खिलाफ अपराधों में कमी आई। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में बच्चों के खिलाफ 18,943 मामले थे। 2021 में ये घटकर 16,838 हो गए, मतलब इन अपराधों में 11.11% की कमी आई। वहीं 2019 में महिलाओं के खिलाफ 59,853 मामले दर्ज हुए, जबकि 2021 में ये घटकर 56,083 हो गए, मतलब 6.2% की कमी आई। 2021 में साइबर क्राइम के मामलों में 22.6% की कमी दर्ज की गई। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि यूपी में सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार है और दंगा मुक्त प्रदेश बना। ये आंकड़े योगी सरकार की उपलब्धियां बखूबी बयां करते हैं। वैसे भी सत्ता में आते ही सीएम योगी के तेवर साफ नजर आए थे और यूपी में उन्होंने अपने बुलडोजर के दम पर अच्छे अच्छों को सबक सिखा दिया, उसमें चाहे मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद जैसे बाहुबली। बाबा के बुलडोजर ने सबकी हेकड़ी निकाल कर रख दी। यही वजह है कि 2017 में जब सत्ता में आए तो उसके बाद शानदार तरीके से योगी आदित्यनाथ ने काम किया और इसके बाद 2022 में भी एक बार फिर से बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की और सीएम योगी ने दोबारा कुर्सी संभाल कर बता दिया कि कानून से खिलवाड़ उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल हरियाणा के सूरजकुंड में 2 दिवसीय चिंतन शिविर में सीएम योगी की मौजूदगी यूपी की ताकत का एहसास और राज्यों को कराएगी, जिसने सभी राज्यों के गृह मंत्री, प्रमुख सचिव, डीजीपी और केंद्रीय बलों की डीजी हिस्सा लेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी उपलब्धियां बताएंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर गृह मंत्री ये बताएंगे कि कैसे उनकी नीतियों और बुलडोजर ने तमाम अपराधी, माफिया और बाहुबलियों के घमंड को ध्वस्त कर दिया।